हाँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा था आगे इसका एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए आवेश संरक्षण का। जैसे मान लीजिए जब दो वस्तुओं को हम रब करते हैं, एक कांच की छड़ हो गई और एक रेशम, दोनों को परस्पर यदि रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित होगी और दूसरी वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। दो वस्तु को हमने आपस में रगड़ा तो कहने का मतलब जो धनावेशित होगी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हानि होगा, यानी जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे वाले पर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी एक को जितना हानि होगा दूसरे वाले को उतने का क्या हो जाएगा, लाभ। इसलिए कांच पर जितना धन आवेश होगा ठीक उतना ही ऋण आवेश किस पर होगा, रेशम पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट हुआ, आवेश तो केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। यही आप एग्जांपल्स में, जैसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की क्रिया क्या है, एग्जांपल सहित बताइए, तो आपके एग्जाम में आता भी है, आगे भी आप स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसे देख लो। युग्म उत्पादन में क्या होता है कि इस क्रिया में एक गामा फोटॉन जिसकी ऊर्जा 1.02 मिलियन वोल्ट या इससे अधिक होती है कि किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लेने पर इसका क्या हो जाता है, पूर्णतः विनाश हो जाता है और क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म, जैसे ये गामा फोटॉन है। अब इसको ऊर्जा दी गई 1.02 मिलियन वोल्ट या इससे अधिक, इससे कम होगा तो उसका विनाश नहीं होगा। जब इसको ऊर्जा दी जाएगी तो ये दो पार्टिकल्स में टूटेगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक एंटी कड़ बोल सकते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस पर देखेंगे तो क्रिया से पहले इस पर जो आवेश है वो क्या है, जीरो है, और बाद भी देखेंगे तो इस पर प्लस इस पर माइनस, यानी मिला जुला करके कुल आवेश क्या है, शून्य है। उसी प्रकार युग्म विनाश देख लीजिए, युग्म विनाश में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वे एक दूसरे का क्या करते हैं, पूर्णतः विनाश कर देते हैं और दो गामा फोटॉन बनाते हैं, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप आएंगे तो क्या बना देंगे, एक गामा फोटॉन और एक गामा फोटॉन, मिला जुला के दो गामा फोटॉन। और इन पर अब देखिए, अब क्रिया से पूर्व देख लीजिए प्लस माइनस तो क्या हो गया, नेट चार्ज जीरो, यहाँ पर भी देखिए नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आवेश क्या है, संरक्षित है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है वैद्युत आवेशों की योज्यता, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको सवाल में हेल्प करेगा। देखिए किसी भी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर है। यदि मान ले कोई सिस्टम है, कोई निकाय है जो यन कणों से मिलकर के बना है, जिन पर आवेश क्रमशः क्या है, मान लीजिए पहला प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर डॉट डॉट एन पार्टिकल हैं, एन में पार्टिकल पर प्लस क्यू चार्ज, तब निकाय पर कुल आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू जैसे है साइन के साथ उनको हम उस तरह से ऐड कर देंगे, वही क्या होगा, नेट चार्ज, जैसे प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट डॉट जितने भी पार्टिकल्स हैं प्लस Q। अब देखिए फोर्थ है आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, अतः कोई वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र वेग से गतिमान हो उसके आवेश क्या होते हैं, समान रहते हैं। और पांचवा है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल भी आते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ आवेश का क्वांटीकरण के बारे में, यहाँ भी देख लीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, न्यूनतम आवेश दिमाग में रखिएगा, जिसे क्या बोलते हैं, मूल आवेश, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ईस। आवेश का यह गुण क्या कहलाता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है।
तो किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश होगा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पर क्या है, पूर्णांक वैल्यू ली जाएगी, धनात्मक पूर्णांक वैल्यू, एन इज इक्वल टू 1 2। इस तरह से ई का मान आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, मूल आवेश है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं ये, मान लीजिए इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, डॉट डॉट एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो इससे निकल रहा है तो इस पर प्लस का चार्ज, इस पर जा रहा है तो इस पर माइनस का चार्ज, मिला जुला के इस पर प्लस का चार्ज आ सकता है, इस पर निगेटिव का। यानी जो चार्ज आएगा वो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो एन इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, तो क्यू बराबर एन ई, इस पर प्लस आ सकता है, इस पर माइनस आ सकता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेशित। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा से क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप न्यूनतम आवेश देख रहे हैं इससे भी छोटे आवेश हैं, बशर्ते वो जो हैं, जैसे ये जो आपका मूल आवेश ई है, ये क्या होता है, फ्री होता है, और वो फ्री नहीं होते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है कुछ क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में, आप लोग इसे स्टडी करिएगा, हम अगले वीडियो में आप लोगों को उसे समझा देंगे। ओके।